नमस्कार मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं आज हमारे साथ विक्रांत तोगट सर हैं भारत के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं और समझिए कि इन्हें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से बहुत प्यार है और वकील भी हैं और लेखक भी हैं और फाउंडर है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के सर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच सर yeah. मैंने कहा कि आपको इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से बहुत प्यार है आप जो तालाब है उसको जीवन दान देते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने सोचा कि ऐसा मुझे करना चाहिए देखिए जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के इस वर्क की शुरुआत की बात है क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर ही हमने काम की शुरुआत की है और टू में की है क्योंकि क्योंकि उस दौरान यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर डेबलेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था जो हमारे तालाब वो सूखते जा रहे थे ग्रीनरी लगातार कम हो रही थी क्योंकि हमें एक ये डेवलपमेंट करना है डेवलपमेंट गलत नहीं कि लेकिन हम चाहते थे कि डेवलपमेंट के इस मॉडल में हमारे वाटर बॉडीज़ हमारे तालाब हमारा जंगल ये सब भी सुरक्षित रह सके तो यहाँ से ये हमारी शुरुआत हुई इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की और टू में शुरू किया अंडरग्राउंड वाटर को बचाने का कैंपेन और फिर 13 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया हमारे एक लिटिगेशन में एनजीटी का कि अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या बेसमेंट बनाने के लिए जो कि एक लैंडमार्क था उसके बाद काफ़ी पानी की बर्बादी रुकी तो यहाँ से हमें फिर मोटिवेशन मिला सर इसकी आपने शुरुआत कब करी थी जब आप कॉलेज टाइम में थे तभी या बिल्कुल ये उस दौरान मैं कॉलेज में था क्योंकि आ, हुआ क्या कि आ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं जॉब के बाद या रिटायरमेंट के बाद काम करूंगा मैंने देखा प्रॉब्लम इस समय है अभी हम लोग दो मीटर तीन मीटर पर ईयर नीचे जा रहा है हमारा अंडरग्राउंड वाटर गौतम बुद्ध नगर का नोएडा और ग्रेटर नोएडा का हज़ार के करीब बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं इन सब में रेन वाटर हारवेस्टिंग का मैकेनिज़्म नहीं है मेट्रो का रूट बना रहे हैं आप उसमें रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं था तो इन सारी चीज़ों में पर्यावरण के प्लान को शामिल किया जाए पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए इसलिए मुझे कॉलेज के दिनों में ही इसके लिए आगे आना पड़ा और अभी तक हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और हमारी टीम लगातार बढ़ती ही जा रही है इसमें सर आप लेखक भी हैं और वकील भी हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने हटा करके अभी भी आप वकालत करते हैं बिल्कुल मैं एक एनवायरमेंटल लॉयर हूँ और हम लोग एनवायरनमेंट के प्रव्यू में ही काम करते हैं बतौर एडवोकेट और, और इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं अगर मेरा बैकग्राउंड लॉ नहीं होता तो शायद मुझे ये मुश्किल होता क्योंकि ये सारा लॉ से रिलेटेड इशू है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कानून है और वाटर एयर एक्ट इन सब में तो इसलिए ही हम इसको कर पा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी लॉ की नॉलेज हुई और हम इसको समझ पाए और अब हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर रहे हैं अच्छा सर मतलब आ, मैंने सुना कि जब आपने शुरुआत करी थी तो मैं पढ़ रहा था कि जब अवैध जल दोहन को लेकर आपने आवाज़ उठाई तो बिल्डरों ने आपके ऊपर एफ दर्ज करा दी कार्रवाई भी बिल्कुल जब 2012-13 की बात है क्योंकि मैं इसमें नया था मेरे पास इतना पब्लिक सपोर्ट भी नहीं था तो मैं बहुत निस्वार्थ तरीके से काम करता था तो यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स थे जिनमें एक एक प्रोजेक्ट दस दस हज़ार करोड़ रुपए का था हमें नहीं पता था कितने हज़ार करोड़ का उस दौरान हमें तो ये पता था कि ये लोग अंडरग्राउंड वाटर को नीचे से भूजल को निकाल रहे हैं सौ से ज़्यादा बोरवेल्स करे हुए हैं उनमें से कई मॉल्स भी हैं जो उस दौरान कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उन बोरवेल्स के थ्रू वो नीचे का अंडरग्राउंड वाटर निकाल के भूजल निकाल के ड्रेन में डालते थे जो हजारों सालों में अंडरग्राउंड वाटर तैयार हुआ उसको वो लोग कुछ ही मिनटों में और चार से पाँच साल तक लगातार निकाल रहे थे उस पर हम लोगों ने आवाज उठाई तो उन लोगों को बहुत ही लगा कि ये हम बिना पानी काम कैसे करेंगे हमने फिर सुझाव भी दिया कोर्ट ने भी सुझाव दिया आप एस का ट्रीटेड वाटर लीजिए और बेसमेंट के फ्लोर कम किए बेसमेंट के लिए ग्राउंड वाटर निकालते आप कम कर दीजिए बेसमेंट तीन फ्लोर के बजाय दो फ्लोर बना लीजिए एक फ्लोर कंस्ट्रक्शन कीजिए एस का गंदा पानी जो होता है ट्रीट करके उसको आप कीजिए तो उनको फिर भी ये बात पची नहीं और रियल इस्टेट लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है उन्होंने हमारे खिलाफ़ ये थ्रेट हमें एक तरह से थ्रेटन करने की कोशिश की झूठे मुकदमे भी दर्ज कराने की कोशिश की पर उन सब में कुछ नहीं निकला सबको मालूम है हम लोग पर्यटन के लिए पानी के लिए काम कर रहे थे तो उसके बाद हमें और मोटिवेशन मिला समाज हमारे साथ आया उन लोगों को एफ वापस लेनी पड़ी अच्छा सर इन सारी चीज़ों को करने में पैसा भी लगता होगा तो कहीं से फंडिंग गवर्नमेंट वगैरह गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कहीं एन से आपको पैसे मिलते हैं बिल्कुल देखिए गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना हम ये सब नहीं कर सकते गवर्नमेंट मेन कस्टोडियन है हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्स की न, न, नेचर की और वाटर की ठीक है जितने भी हमारे मिनरल्स हैं तो उन्हीं के सहयोग से कोई भी काम किया जा सकता है तो जहाँ तक फंडिंग की बात है गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का स्वच्छता फ़ंड होता है वो हमें तालाबों में या जंगल बनाने में उसकी हेल्प मिली है साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ही मैकेनिज़म किया कि कॉरपोरेट्स को टू परसेंट अपने नेट प्रॉफ़िट का एवरी ईयर खर्च करना है इसके ऊपर एन्वायरमेंट के ऊपर तो जिसको बोलते हैं सीएसआर तो हमें सीएसआर से काफ़ी सपोर्ट मिलती है इसके अलावा इंडिविजुअल्स क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह पर्यावरण के लिए चिंता करते हैं वो लोग अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तब हम ये काम कर पा रहे हैं अच्छा सर मैं पढ़ रहा था तो आपने गौतम बुद्ध नगर में और गाज़ियाबाद में एक लाख से ज़्यादा पौधा लगा दिया है अब तक तो? बिल्कुल एक लाख से ज़्यादा ये हम लगा चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में उसके अलावा गाज़ियाबाद गुड़गांव और देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम लोग पौधे लगा रहे हैं अब तो हमारा दो लाख से ज़्यादा पहुँच चुका है और हम पौधे लगाने में ही नहीं हम उनका मेंटेनेंस में ज़्यादा फोकस करते हैं हम तीन साल से ज़्यादा तक उनकी देखभाल करते हैं पौधे लगा देना बहुत नॉर्मल बात है उसको पेड़ में कन्वर्ट करना एक चैलेंज है तो हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो जितने भी पौधे हमने लगाए हमने इंश्योर किया है कि उनका सर्वाइवल रेट अच्छा हो वो सर्वाइव कर सके और पेड़ में कन्वर्ट हो सके अपनी एन्वायरमेंटल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है जैसे फल देना फूल देना खा और पत्ते देना सूखे वो वो सब मिल सके एन्वायरमेंट को क्योंकि पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है कि एन्वायरमेंट को बेनिफिट हो सके तो हमारी कोशिश होती है कि पेड़ लगाने के बाद एन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलने तक उनकी देख की जाए सर हम जैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहिए आज के डेट में बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही है तो पेड़ पौधे का मतलब पूरे बिरजोर तरीके से कटाई हो रही है तो इस पर आप क्या कहना चाहिए गुप्ता जी आप जैसे यंगस्टर्स और शारदा यूनिवर्सिटी और आपका ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोग ही इस एनवायरनमेंट कैंपेन को आगे ले जाएंगे मैं या हमारे जैसे जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एक्सपर्ट्स हैं ये एक दिशा दे सकते हैं ये थोड़ा सा उसको एक मूड दे सकते हैं लेकिन करना आपके जैसे युवाओं को ही है वो ही आगे ले जाएंगे चाहे वो पर्यावरण आंदोलन हो चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो चाहे वो भ्रष्टाचार का आंदोलन हो सारे सोशल कैंपेन युवाओं के कंधे पे चलता है तो उसके लिए मेरी यह रिक्वेस्ट है यूथ से कि आप प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं आपने जो स्टडी की है उसका बेनिफिट दीजिए सोसाइटी को सपोज कोई लॉयर है तो वो लॉ के बैकग्राउंड का सहयोग ले पर्यावरण को या सामाजिक मुद्दों को हल करने में कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग में कोशिश करे कि उनकी साइट पर अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ना हो पर्यावरण का नुकसान ना हो पेड़ कम से कम काटे जाए जिस भी फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में आप देखेंगे कैसे उस फील्ड का सहयोग लेके आप पर्यावरण का सहयोग या समाज का सहयोग कर सकते हैं अच्छा सर आप लेखक भी हैं तो किस 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 प्रकार की चीज़ें आपने लिखी है हाँ देखिए लेखन मेरा बचपन का शौक़ रहा है मैं पहले लेखन में था तब मैं एक्टिविज़म में या इस एक्शन में आया क्योंकि मेरा लिखने का जो था वो एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग पे मैं कॉलेज मैगजीन स्कूल मैगजीन इन सब में लिखता था उसके बाद मैंने कुछ बाकी और पब्लिकेशंस के लिए कई अखबारों के लिए 2010-11 से पहले मैं ज़्यादा लिखता था 2005 से टेंथ में टेंथ जो की थी मैंने टू में की थी उस दौरान मैं लिखता था 2005 से 10-11 तक मैंने लिखा छोटे स्केल पे कोई बहुत बड़े अखबारों में नहीं मैं छोटी कविताएं लिखना अच्छा कोई कविताएं आपको याद ही कोई छोटी सी लाइन याद नहीं है क्योंकि मैं लंबा समय हो गया है तो मैं लेखन को छोड़ के क्योंकि एक दिन मुझे रियलाइज मैं मैंने ये रियलाइज किया 2011 12 इलेवन टवेल्व या टेन के आसपास कि लेखक तो कोई भी बन सकता है किसी कॉर्नर में सॉफ्ट तरीके से बैठ के कोई भी लिख सकता है हमारे जैसे युवा को ग्राउंड पर होना चाहिए ग्राउंड पर जाके चेंजेस करने चाहिए और अगर किसी के लिए संभव है तो वो ग्राउंड पे भी काम करे लेखन भी करे पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं लेखन भी जारी रख सकूं एक्टिविज़म या ग्राउंड पर ए, एक्टिविटी के साथ साथ अच्छा। सर लास्ट आप कुछ ऐसा बताना चाहें जो हम लोग नहीं जानते हो सोशल मीडिया पे नहीं हो वेबसाइट पे नहीं हो वैसे चीजें देखिए वैसे तो आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर लगभग सब कुछ आ चुका है लेकिन मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि वर्चुअल वर्ल्ड आपको हेल्प कर सकता है सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी जिस पर हम इतना विश्वास कर रहे हैं ये केवल आपका एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है ये एक टूल हो सकता है हम इसको अपना मेन माध्यम न समझें कि यही सब कुछ है इसके बाहर भी दुनिया है वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर भी दुनिया है उसको हमें समझना है तो उसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन चीज़ें पर बहुत ज़्यादा हमें हर क्लिक पे चीज़ें चाहिए लेकिन इससे आप समाज से कही कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप समाज से जुड़िए आप देखिए जो बिग बास्केट से सब्जी या सामान आ रहा है वो उगता कहाँ है ये सब्जियाँ उगती कहाँ हैं दूध आता कहाँ से है फसल कहाँ उगती है कैसे किसान उगाता है तो एक्चुअल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होना है हमें वर्चुअल वर्ल्ड की इस आभासी दुनिया से निकल कर के और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के बेटरमेंट बेटरमेंट के लिए और लोगों की तरक्की के लिए उपयोग करना है ना कि इसमें हम कोई भ्रम फैलाएं ना कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज करें तो यही सुझाव है मेरा क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है होनी चाहिए एआई का जमाना है लेकिन इसको ही सब कुछ ना समझा जाए भावनाओं को इमोशंस को और लोगों से व्यक्तिगत मिलने में इन सब में परहेज ना किया जाए ये ही है जो आपको आजीवन हेल्प करेगा थैंक यू थैंक यू सो मच सर समय देने थैंक यू